हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज हमारा मतलब ये अगली क्लास का रिवीजन है, इसको देख लेते हैं। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? क्या जनमत संग्रह? तो ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में रखी गई है। कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी? इस पर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में क्या करेगी? विधेयक पारित हुई कहाँ पर? असम में। कहाँ पर? असम में। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तुलसी नाम दिया है इंद्रजाल। क्या दिया गया है? इंद्रजाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर? दिल्ली में राजघाट पर तो ये किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा पर। किसकी? महात्मा गांधी। पांच खिलाड़ियों वाला फाइव वे साइड हॉकी एशिया कप कितने खिलाड़ियों वाला? पांच खिलाड़ियों वाला फाइव वे साइड हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शांता थोटम। किसको? शांता थोटम को। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है नागालैंड। कौन बना है? नागालैंड। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय इसकी काउंटडाउन को आवाज देने वाली एन लामती का निधन हो गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक क्या लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक सेल इंडिया क्या क्या तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सांची में। कहाँ पर किया गया है? सांची में। जो उज्जैन है यहाँ पर भारत का पहला यूनिटी मॉल, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जो भोपाल है यहाँ पर ई कचरा कचरा क्लिनिक, ई कचरा क्लिनिक की स्थापना कहां पर की गई है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जो मंदसौर है यहाँ पर फ्लोटिंग एशिया का फ्लोटिंग ऑफिस, जो एशिया का फ्लोटिंग ऑफिस है कहां पर? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। सांची सोलर सिटी सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को क्या करेगा? कम करेगा। कितना? 747 टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने वाला है? का उत्सर्जन कम करने वाला है, जो 2 लाख से अधिक क्या करेगा? बयस पेड़ों के बराबर होगा। इससे सरकार और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी खर्चों पर सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्या होगी? बचत होगी। कितने? 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत। पीएम नरेंद्र मोदी 2070 तक देश के हर राज्य में सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य था। जो पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने कब तक
2070 तक देश के हर राज्य में क्या सोलर सिटी विकसित करने का क्या क्या रखा है, लक्ष्य रखा है किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसके अतिरिक्त सांची में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली इको फ्रेंडली सुविधाओं को लागू करके पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। किसको? पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। शहर में बैटरी चालित ई रिक्शा और कूड़ा भार में चलाए जाएंगे। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन में भी क्या किए जाएंगे, स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से समझते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। राजा राम लोक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के जिला ओरछा में। कहाँ पर? ओरछा में। हनुमान लोक का उद्घाटन, जो हनुमान लोक है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? छिंदवाड़ा में। भारत का पहला यूनिटी मॉल, जो भारत का पहला यूनिटी मॉल है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? उज्जैन में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कहाँ पर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन से शहर टॉप पर आया है? मध्य प्रदेश का जिला इंदौर। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किसको प्राप्त हुआ है? इंदौर को। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? जो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। तो गुजरात में कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और उत्तर प्रदेश में वैदिक पार्क, किसकी? वैदिक पार्क की स्थापना की गई है। जो हरियाणा है यहाँ पर सफारी पार्क, इसकी सफारी पार्क की स्थापना। भारत मंडपम में, कहाँ पर? भारत मंडपम में नटराज की कितने फीट ऊंची? 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल पर। कहाँ पर? जो G20 के शिखर सम्मेलन हुआ है उसी टाइप पर। प्रतिमा का वजन, जो ये प्रतिमा है इसका वजन कितना है? 20 टन। पर कितना है? 20 टन। और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। कितने? 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। नटराज की मूर्ति की कीमत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है। जो ये नटराज की मूर्ति है इसकी कीमत कितनी है? 10 से 12 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले में, इसका जो निर्माण है कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापति, किसके द्वारा किया गया है? राधा कृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने किया है। नटराज मूर्ति के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से नटराज के रूप में शिव की नृत्य मूर्ति मुख्य रूप से चोल ये चोल काल के दौरान विकसित हुई थी। नटराज मूर्ति काल में शिव को नृत्य और नाट्य कला के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में दिखाया गया है? नृत्य और नाट्य कला के स्वामी के रूप में दिखाया है। किसको? शिव जी को। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी बुअल नाम को। किसको? बी बुअल नाम को, जो राजीव गोवा है ये कैबिनेट सचिव है। कौन है? कैबिनेट सचिव। जो गिरधर अरमानी है ये रक्षा सचिव है। अजय भल्ला ये है गृह सचिव। कौन है? गृह सचिव। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? अभी भी मनीष देसाई। कौन बने हैं? मनीष देसाई। जो एफटीआईआई है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आर माधवन। कौन बने हैं? आर माधवन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, जो रेलवे बोर्ड है इसमें जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है?
जया वर्मा सिन्हा नौसेना अध्यक्ष है, आर हरि कुमार जो वायुसेना अध्यक्ष है, बी आर चौधरी कौन है इस टाइम, बी आर चौधरी जो थल सेना अध्यक्ष है वो है मनोज पांडे कौन है इस टाइम, मनोज पांडे। तट रक्षक बल के महानिदेशक यानी कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है वो है राकेश पाल कौन है इस टाइम, राकेश पाल जो सीआरपीएफ है इसके महानिदेशक है एस एल थाउ कौन है, एस एल थाउसेन। एसएसबी के महानिदेशक है रश्मि शुक्ला कौन है, रश्मि शुक्ला भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान, जो भारत के नए सीडीएस बने हैं वो कौन बने हैं, अनिल चौहान। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली में, कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का जो दूसरा संस्करण है कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। जो बेंगलोर है यहाँ पर सबसे बड़ा एयर शो कहाँ पर है, बेंगलोर में। जो इंदौर है यहाँ पर प्रवासी इस बार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है, इंदौर में। दिल्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं यहाँ से। नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट में महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। वृक्षारोपण नीति, सॉरी वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, दिल्ली है। नीति आयोग की आठवीं बैठक कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। जो नीति आयोग है इसकी जो आठवीं बैठक है कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक, जो जीएसटी परिषद है इसकी 50वीं बैठक कहाँ हुई है, दिल्ली में। नई संसद भवन का निर्माण कहाँ हुआ है, दिल्ली में, जिसके जो वास्तुकार है वो है यानी डिजाइनर कौन है इसके, बिमल पटेल कौन है, बिमल पटेल। दिल्ली में जो नाम बदले गए हैं उनके नाम है जो कर्तव्य पथ, राजपथ इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, कर्तव्य पथ जो मुगल गार्डन है इसका अमृत उद्यान क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। तो आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किसके संन्यास की घोषणा की है, तो ये की है क्विंटक डिकॉक ने, किसने, क्विंटक डिगो।